वकार हसन साहब, आप कैसे देखते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की जो रिपोर्ट सामने आई है इस? जी बिल्कुल, आई थिंक इस पे पहले भी बात हुई है। मेनली दो बड़ी वेव्स जो हैं आई हैं इमिग्रेंट्स की पाकिस्तान में, अफगानिस्तान वाली साइड पे। पहले तो रशियन जब इन्वेजन हुआ तो उसमें 50 लाख तक तादाद चली गई थी, और उसके बाद सऊद अरबी उनकी शायद तीसरी जनरेशन भी पाकिस्तान में पैदा हुई है। उसके बाद फिर काफ़ी इंटरवेंशन हुई, लेकिन अमेरिकन इंटरवेंशन के बाद, उनके इंखला के बाद फिर एक वेव आई, और इसमें काफ़ी सारे लोग वो भी हैं जो या तो करजई गवर्नमेंट के साथ थे या अशरफ गनी गवर्नमेंट के साथ। तो किसी हद तक आप कह लेंगे तालिबान जो है उनके साथ उनकी एक टेंशन ज़रूर है, लेकिन अल्टीमेटली ये अफगानिस्तानी शहरी हैं। अभी 17.5 लाख बंदे का जो पाकिस्तान ने लोड उठाया, वो जो इलीगल है, मैं लीगल की बात नहीं कर रहा, जो तकरीबन मेरे एस्टिमेट में 30 लाख से ज़्यादा है, तो इनका जो आपका बिल है साल का 4 अरब डॉलर के पास बन रहा है, और 2 साल से पाकिस्तान इसको भुगत रहा है।